टेस्ट। मुझे लगता है हमें प्रोफेसर ओक को कॉल करके उन्हें इस पिंक आइलैंड के बारे में बताना चाहिए। अच्छा आइडिया है। पिंक आइलैंड? ऑफिसर जेनी ने तुम्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया? आपको इस आइलैंड के बारे में पता है? बिल्कुल। पिंक आइलैंड को बहुत सुरक्षित तरह से गुप्त रखा गया है, इसलिए वहाँ के पोकेमॉन बड़ी अनोखी तरह से बढ़ रहे हैं। हम जैसे रिसर्चर्स को उनके वंश के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर अगर दुनिया वालों को इस पोकेमॉन आइलैंड के बारे में पता चल गया तो शिकारियों को यहाँ शिकार करने में देर नहीं लगेगी। वो पिंकन पोकेमॉन को पैसे के लिए ले जाएंगे और उनकी तबीयत का ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे। खुशी की बात है कि कुछ अच्छे लोग हैं जो इस चीज पर काम कर रहे हैं ताकि पोकेमॉन के साथ कोई बदसलूकी ना हो। जिनी और दूसरे डॉक्टर्स आइलैंड की जाँच कर रहे हैं ताकि पोकेमॉन सही सलामत रहें और उनकी खुशियाँ बरकरार रहें। है ना ये अच्छी खबर? हाँ बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर। मार्क क्या कर रहे हो? मैं किसी से बात कर रहा हूँ, दूर हटो मार्क। प्रोफेसर और मार्क की दोस्ती तो बढ़ती ही जा रही है। क्या हुआ ऑफिसर जेरी? कोई आइलैंड में जबरदस्ती घुस आया है। क्या वो शिकारी होंगे? हो सकते हैं। हम उन्हें रोकने में आपकी मदद करना चाहते हैं। हम पोकेमॉन को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। हमें भी आने दीजिए, तुम्हारी मदद काम आएगी। तो आप हैं चले। मुसीबत? तुम मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। उसे झेलने के लिए भी तैयार हो जाओ। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जेसी जेम्स टीम रॉकेट, हमारी लंबी है फाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। छोड़ेंगे नहीं, हो या नहीं। और इस बार तुम हमें नहीं रोक सकते, समझे क्या? अच्छा वो तो हम जल्द ही देख लेंगे। मियोज पिकाचू जल्दी थंडर शॉक अटैक करो। हमें तुम्हारे पिकाचू को भी पकड़ना पड़ेगा। उस शॉक से तो निडो किंग जाग गया। अब लगता है हम सोने वाले हैं। ऑफिसर जेनी, हम पिंक पोकेमॉन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। इसी तरह लोगों तक नहीं पहुंचेंगे और वो यहाँ शांति से रहेंगे। और ये सही भी रहेगा। दोस्तों ये सुनने में अजीब लगेगा, पर मुझे लगता है कि टोगोपी ने आज हमारी जान बचाई है। शायद टोगोपी को कुछ इतना समझते हैं। टोगोपी? एक बात पूछूं मिस्टी, ये तुम कैसे कह सकती हो? उसने अपने हाथ हिलाए जब नीडो किंग की हाइपर बीम हम पर लगने वाली थी।
सपने देखना अच्छी बात है पर दिन में नहीं। हाँ तुम देखो एक लड़की के पास पोकेमोन के अलावा भी सोचने के लिए बहुत कुछ है। चोगपी, अपने हाथ हिलाओ, इस तरह से। और चोगपी ने बिना किसी को पता चले सबकी जान बचाई। पर आगे हमारे हीरोज के लिए क्या आने वाला है ये एक पहेली है, पर उनका एडवेंचर जारी रहेगा।